नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो भी रिटेलर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या जो भी रिटेलर फंसे हैं, सबसे पहले तो हमारी बहुत ही ओल्डेस्ट वीडियो, मतलब देखिए इस चैनल पे मैंने मल्टीपल टाइम कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया, लेकिन आप जाके थोड़ा सा पुरानी वीडियो को देख लेना, फिर जाके जो भी मतलब आपके मन में डाउट दोस्तों उसको आप जो है कि क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अभी तक की अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकंड, अभी तक की अगर बात करें तो 50% कंपनी डाउन हो चुकी है। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई करने की बात कर रहे हैं, कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को सेल भी करने की बात कर रहे हैं या फंसा हुआ भी अपने आप को फील कर रहे होंगे। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। कोचिन शिपयार्ड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को। हालांकि दोस्तों, रिजल्ट तो एक बहाना है, ये स्टॉक 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ भी रिटर्न नहीं, 12% का रिटर्न है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एग्जिट कैलकुलेट करूँ तो 50% के आसपास ये कंपनी अभी तक डाउन हो चुकी है। 1447 रुपये इस कंपनी का प्राइस चल रहा है, और अगर इसके हाई को देखेंगे तो वही जो है कि मतलब 50% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है, रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। और यहाँ पे अगर आप देखें, सारा न्यूज इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के कारण जो है कि ग्लूम सेंट शेयर लगभग 5% गिर गया। उसके बाद 50% अभी तक फ्रॉन्ट पिक, मतलब जो हाई था दोस्तों, उससे ये कंपनी 50% डाउन हो चुकी है। ऐसे में इस कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया, तो डिविडेंड, बायबैक, बोनस, स्प्लिट, ये सारा अपना फोकस नहीं होना चाहिए। कंपनी कैसी है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस में क्या दम है, फ्यूचर में जब इस टाइप की गिरावट देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं 50% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, तो क्या इस स्टॉक को होल्ड करने की भी कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, फिर फ्यूचर के लिए किसी भी स्टॉक में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सारा कुछ कवर करूँगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक साल के चार्ट को देखेंगे तो 176% का रिटर्न है, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 631% का रिटर्न है। एग्जैक्ट अगर दोस्तों इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि पुराने वीडियो को अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसके पहले भी ये कंपनी लगभग 50-60% या 70% के आसपास डाउन हुई थी। तो इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा देखना है, मतलब पुरानी वीडियो को आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करें। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 5% एक लोअर सर्किट है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 5 लाख के टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कोई भी डिलीवर क्वांटिटी अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हालांकि जब लोअर सर्किट है तो कोई बायर दिखाई नहीं होगा। 2980 रुपये के आसपास कंपनी गई थी, लो की बात करें तो 515 रुपये, जो कि ये एडजस्टेड आप कर सकते हैं। इसमें बायबैक, बोनस, स्प्लिट, ये सब सारा हमारा फोकस नहीं होता, लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि डिविडेंड तक इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, डिविडेंड, बायबैक, बोनस, स्प्लिट, ये सारा चीज़ देखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये सब चीज़ों को इग्नोर करके वो सेल कर देते हैं। तो इस चीज़ से मतलब जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे 20 नवंबर को इस कंपनी का जो कि एग्जिट रिकॉर्डेड देखने को मिल रहा है, 4 रुपये इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया, जो कि एंट्री में 15 से 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, कंपनी करती क्या है इस चीज़ को सबसे पहले आप जान लो। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो 45, मतलब इस कंपनी पर जो देखिए, सब बहुत सारे रिटेलर्स पहले कमेंट करते थे कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी 45 डिफरेंट टाइप का जो कि विसल है इसके पास। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ओल्डेस्ट है दोस्तों, न कि न्यूएस्ट। सेकेंड, ये कंपनी थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोलिक शिप से रिलेटेड जो कि काम कर रही थी, और कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर पर इस कंपनी का जो भी कंप्यूटर है, आप कह सकते हैं कि मतलब मसगांव डक की इस कंपनी कंप्यूटर देखने को मिलता है, जो कि हमने हर वीडियो में आपसे मसगांव डक को फर्स्ट प्रेफर दिया है, जो कि आप देख भी सकते हैं कंपनी के रिजल्ट भी आया, कंपनी अच्छा भी हो रही है। मतलब रिजल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो भी मतलब दोस्तों, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 72% का स्टेक, मतलब जो कि प्रमोटर भी देखा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी पहले नंबर पे, हालांकि सेम आप कर सकते हैं दोस्तों, मसगांव डक को आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं, आज भी मैं बोल सकता हूँ। हालांकि इसमें देखा है तो कोई भी प्लेस तो बेसिकली देखा है तो मतलब कि वहाँ पे रहता नहीं है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो सिंगल डिजिट में। हालाँकि बहुत सारी कंपनियों से आप एक्सपेक्टेशन भी लेके चल सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे दरअसल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है FIs जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है दोस्तों, तो FIs इसमें सेलिंग किए हैं। DIs की बात करें तो उन्होंने बाइंग किया, हालांकि पब्लिक की बात करें पब्लिक ने भी बाइंग किया है। ऐसे में अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए निकलना मुश्किल है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को अगर आप बाई कर रहे हो तो आपके अंदर मेन होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप इस कंपनी के थोड़ा सा मतलब कि 5 साल के भी चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं, फिर भी कुछ तो हेल्प हो जाएगी यहाँ पे, हालांकि मैक्सिमम भी देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो लगभग देखा है तो 50-60% 70% की कंपनी उस टाइम पे भी गिरावट देखने को मिली थी, और इस कंपनी की भी यही खासियत आप कह सकते हैं मतलब इजीली 30-40% करेक्ट हो जाती है। तो हालांकि दोस्तों इजीली जब 30-40% कोई भी करेक्ट हो रही कंपनी तो उस टाइप से मतलब देखा है तो उसी टाइप से कंपनी रिकवर भी करती है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। तो जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो फंसे हुए हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करें। सेकंड, जो बाई करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से अगर थोड़ी सी और करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप चाहे तो इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, लेकिन गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि 1000 तक भी ये कंपनी आ सकती है, इस चीज़ को भी आपको नोट डाउन करके चलना है। तो हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा गिरावट होती है तो 1000, और तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय दोस्तों जिस समय डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज आएंगे पॉजिटिव तो इस कंपनी भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।